सो गैस वीकली जॉब अपडेट 6 है और बेसिकली एक वीक के अंदर जितना भी जॉब आया है सारा उसका एक मैं ओवरव्यू दूंगा। सो आप लोग देखते हैं आगे की ओर, और आप लोग न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना। गए सब्सक्राइब इसलिए करना, मैं कई सारा जॉब अपडेट विद आप लोग के एग्जाम से रिलेटेड मैं बहुत कुछ प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। आप प्लीज़ शेयर जरूर कीजिए अपने मित्र एंड अपने फ्रेंड के साथ, क्योंकि आप लोग देखते ही होंगे कि कोई भी जॉब अपडेट होता है मैं तुरंत नोटिफिकेशन जैसे ही कहीं से आता है तो मैं तुरंत आप लोग को अपडेट करने की कोशिश करता हूँ। सो देखते हैं आगे की ओर, और प्लीज़ आप लोग टेलीग्राम पे भी जुड़ जाइएगा। तो गैस मैं आप लोग को बता दूं कि ये मैं शॉर्ट टर्म शॉर्ट है, ब्रीफली भी नीचे में इसका दिया है, ये पहले शॉर्ट में बता दिया गया फिर उसकी ब्रीफली है। तो महाराष्ट्र पोस्टल का सर्कल का रिक्वायरमेंट है जिसमें 371 था, मैंने इसका एक वीडियो भी बनाया था, कवर किया था, उसमें बहुत कुछ मैंने डिस्कशन किया था, और इसका शायद मैं एक और दो वीडियो में ला सकता हूँ तो ला सकता हूँ, फिलहाल एक तो वीडियो लाऊंगा ही लाऊंगा। सो 10th पास एंड 12th पास वाले बच्चे एलिजिबल है एंड कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। सो 3/11/2020 तक इनका लास्ट डेट था। सो आप लोग नहीं भरें तो प्लीज़ भर लें एंड अपने फ्रेंड को भी बतावें। और आर्मी पुलिस स्कूल एंड आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी में 8000 वैकेंसी था गाइस। मैंने इसका वीडियो नहीं कवर किया हूँ, मैं आप लोग को बताऊँ कि मुझे शायद ये अभी नज़र आ रहा है। सो एनी ग्रेजुएशन विथ बीएड एंड पोस्ट ग्रेजुएशन रिलेटेड सब्जेक्ट विथ 50% मार्क्स एंड बीएड वाले बच्चे उन लोग को एग्ज़ाम देंगे, और 20/10/2020 तक है। आपको मैं बता दूं कि आप लोग को जो भी चीज़ समझ में नहीं आता आप लोग बेहिचक मुझे कमेंट करेंगे, मैं ज़रूर आप लोग को वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश करूँगा। कुछ भी हो जो आपको समझ में नहीं आ रहा है आप लोग बताइए, मैं ज़रूर आप लोग को समझाने की कोशिश करूँगा, ज़रूर रिप्लाई दूंगा। कोची सीपीआर लिमिटेड में मैंने इसका वीडियो कवर किया होगा गाइस, जिसमें 7th पास 9th पास एंड 10th पास वाले बच्चा एलिजिबल है, विथ आईटीआई वाले बच्चे भी एलिजिबल है। सो काफ़ी सारा वैकेंसी था, जैसे 577 वैकेंसी था, दिनांक 7/10/2020 तक था। एनसीआर इंडिया लिमिटेड में 500 वैकेंसी शायद मैंने इसका भी वीडियो कवर किया, जिसमें डिप्लोमा एंड डिग्री एंड वाले बच्चा एलिजिबल, टेक्नोलॉजी वाले बच्चा एलिजिबल, जिसमें 10/11/2020 तक ये फॉर्म है। मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैंने इसका वीडियो कवर किया हूँ कि नहीं कवर किया हूँ। सो आप अगर आप लोग जाके टेलीग्राम पे तो हर चीज़ मिल ही जाएगा, सरकारी जॉब करके मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। पंजाब नेशनल बैंक में 535 वैकेंसी, जिसमें 6/10/2020 तक इसका फॉर्म है। शायद मेरे ख्याल से इसका डेट ख़त्म हो चुका है, आज कितना तारीख है, तो आज मेरे ख्याल से 9 तारीख है, तो इसका डेट ख़त्म हो चुका है, तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट देखते हैं। दुल्हैन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में 110 वैकेंसी, जिसमें 10th पास एंड आईटीआई रिलेटेड ट्रेड ग्रेजुएट एंड एनी इंजीनियरिंग वाले ब्रांच वाले बच्चा भर सकते हैं, एंड और मराठी टाइपिंग आना चाहिए, जिसका स्पीड आप लोगों को 300 WPM होना चाहिए, एंड इंग्लिश भी आप लोगों को आना चाहिए WQPM होना चाहिए, और 16/10/2020 तक इस फॉर्म को एलिजिबल है भर सकते हैं। तो प्लीज़ अपने मित्र एंड अपने फ्रेंड को भी शेयर जरूर कीजिएगा। कोची सीपीआर लिमिटेड में 88 वैकेंसी है गैस, जिसमें 10th पास आईटीआई वाले बच्चे एलिजिबल हैं एंड ट्रेड अच्छा इसमें 2 वैकेंसी आई थी, शायद मैंने ये कवर किया होगा, शायद एक नहीं कवर किया होगा। आप लोग मुझे बताइएगा क्या मुझे इसके ब्रीफली में बताना है, तो आप लोग मुझे कॉमेंट कीजिएगा, तो मैं कोशिश करूँगा। ये अगर एक ही मतलब इस टाइप में अगर बच्चे हमें 5-6 कॉमेंट करेंगे तो मैं ज़रूर बना दूँगा, एक दो बच्चे कमेंट करेंगे तो मैं कोशिश करूँगा कम बनाने का, क्योंकि मुझे पास और भी होता है, काफ़ी कुछ मैं प्रोवाइड कराता हूँ, तो सो मैं वहाँ पे सर्च वर्च करना होता है या देखना होता है। सो इंडियन नेवी में 34 वैकेंसी, जिसमें 12th पास विच 70% मार्क्स जेई मेंस में आना चाहिए, जिसमें 20/10/2020 तक बच्चे फॉर्म फिल कर सकते हैं। सो मैंने इसका भी वीडियो कवर किया हूँ, हाल ही का मैंने मैक्सिमम वीडियो कवर ही कर लेता हूँ। डिफेंस मिनिस्ट्री एंड ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में आया है, जिसमें 23 वैकेंसी, जिसमें डिप्लोमा इन सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल केमिकल और मेट्रोलॉजी इंजीनियरिंग वाले बच्चा एलिजिबल, जिसमें 23/10/2020 तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। मैंने ये वीडियो कवर नहीं किया होगा गाइस, सो इन सब वीडियो का आप लोगों को नीचे में आपको मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा, नीचे में सारा उनका ब्रीफली दिया है, मैं वो भी आप लोगों को बता ही दूंगा। एंड गेट 2020-21 गेट ग्रेजुएट पीजी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एंड यहाँ पे साइंस में आया है, जिसमें कंप्यूटर एप्लीकेशन स्टडीज या MBBS, जिसमें अंतिम 7/10/2020 है, मतलब इसका डेट ख़त्म हो गया, तो हम इसके बारे में ज़्यादा चर्चा करना ही बेकार बात है। सो यहाँ पे हम देखते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड है, मैंने ये पिछले बार भी आया था, बट इसमें कुछ ज़्यादा वैकेंसी थे, इसमें कम है। 10th पास मिनिमम 15 ईयर्स सर्विस एंड डिफेंस फोर्स में होना चाहिए, जिसमें 24/10/2020 वाले बच्चे एलिजिबल हैं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की बात करें, जिसमें डिप्लोमा डिग्री एंड सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वाले बच्चे एलिजिबल हैं, जिसका मैं बात करूँ SSC JEE का बात करूँ, जिसमें 30 स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसमें डिप्लोमा डिग्री इन मैकेनिकल, ये तो SSC JEE का लग रहा है गाइस, सो मुझे याद नहीं आ रहा है।
और क्योंकि अभी वैकेंसी आई तो मैंने SSC JEE का बहुत कुछ कवर किया हूँ, सो देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी 2-3 वीडियो कवर किया होगा SSC JEE पे, सो आप लोग को सारा मिल जाएगा टेलीग्राम वगैरह पे। या प्ले लिस्ट में तो उसका नहीं मिल पाएगा क्योंकि आप ढूंढे ढूंढे तबाह हो जाओगे, क्योंकि मैंने कभी ही वीडियो बनाता हूँ, एक दिन में 2-3-4 वीडियो अपलोड करता हूँ। सो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं महाराष्ट्र पोस्टल सर्कल में 1371 वैकेंसी है, एंड आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सारा इसमें डिटेल दिया है हर चीज़, 18 से 25 साल पोस्टमैन ग्रेजुएट 21,000 से लेके 59,000, मतलब सारा कुछ डिटेल इसमें दे दिया गया है। नीचे में ये कुछ वेबसाइट वगैरह कोची CPR में वगैरह के बारे में मतलब हर चीज़ दे देता है, आप लोग मुझे बोलिएगा तो मैं इसका जो PDF है मैं आप लोग को फॉरवर्ड कर दूँगा टेलीग्राम पे, वहाँ से भी आप लोग ले सकते हैं। या इसके अलावा भी अगेंस्ट मैं बता रहा हूँ, कुछ भी दिक्कत है तो कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर आप लोग की हेल्प करूँगा, सहायता करूँगा। सो थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे NCL में वैकेंसी है तो 550, जिसमें इतने सारे बच्चे एलिजिबल है गाइस। सो थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाना गाइस। सो बाय बाय।